हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एआई के बारे में जान दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि वर्तमान का युग विज्ञान का युग है। यहाँ पर जितने भी कार्य वर्तमान में एआई की मदद से होंगे, तो आज मैं आपको एआई के बारे में सारी जानकारी बताऊंगा। एआई क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। तो अगर आपको भी इन सभी जानकारियों का पता लगाना है तो आज के इस वीडियो में बने रहे, मैं आज आपको इसके बारे में सारी जानकारी बताऊँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एआई क्या होता है। हालांकि कई लोगों ने एआई का नाम सुना भी होगा, लेकिन उन लोगों को एआई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में पता नहीं होगा। तो एआई को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। आज के समय में इंसान एआई से घिरा हुआ है। आज मनुष्य सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक एआई मशीनों की मदद से अनेक सारे काम करता है। हालांकि ऐसी बहुत कम मशीनें हैं जो बिना इंसान के काम करती हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का विस्तार बढ़ रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसे देखने के लिए लोगों के मन में एक सवाल ये आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से इंसानों पर खतरा है क्या। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एआई क्या होता है। इसके अंतर्गत मानव और जंतुओं के प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों की बुद्धि को प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए हमें एक टाइगर का रोबोट बनाना है तो आप वैज्ञानिक प्राकृतिक टाइगर की सभी तरह की गतिविधियों को रोबोट में डालेंगे, जिससे कि वो एक वास्तविक टाइगर की तरह दिखाई देगा और आप एआई की मदद से टाइगर बना सकते हैं। वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अंदर इस तरह की मशीनों को बनाया जाता है जो खुद मानव की तरह सोचने और समझने में सक्षम। इसके बाद आप जिस काम के लिए उस मशीन को बनाया गया है उसमें किसी भी मानव की आवश्यकता ना हो। जिस तरह से एक मानव अपने मस्ती की मदद से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेता है, उसी तरह से आजकल की मशीन एआई की मदद से ऑटोमेटिक किसी भी समस्या का पता लगा लेती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसा कि अगर आपको किसी टेक्स्ट को ऑटो करेक्ट करना है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की मदद से उस वर्ड को ऑटो करेक्ट आसानी से कर सकते हैं। जब भी आप कुछ गलत लिखते हैं तो इसमें ऑटो करेक्ट आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को ऑटो करेक्ट करके उसे सही करने के लिए सुझाव देता है। इसके अंदर डीप मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है जो कि प्राकृतिक भाषा का प्रसंस्करण करता है। हमें ऐसा अनुभव होता है जैसा कि मशीन को व्याकरण सिखाया गया। इसके बाद हम इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट में जाते हैं या फिर हम ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो हम गूगल या अन्य किसी सर्च इंजन में जाकर के सर्च करते हैं। इसके बाद हमारे सामने ऑटोमेटिकली जो चीज़ हमने पहले सर्च की है उसके विज्ञापन आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के एआई सिस्टम को यूजर के व्यवहार और उसकी रुचि के आधार पर उसके डेटा से ट्रैक किया जाता है, और इसके पीछे भी डीप मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। और आप गूगल में या फिर यूट्यूब में कहीं पर भी जिस भी टॉपिक को सर्च करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐड नज़र आ जाएंगे। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसा कि हेल्थ केयर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का आज के समय में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस समय डॉक्टरों के पास ज़्यादा हाईटेक मशीनें नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से सही से उपचार भी नहीं हो पाता था। लेकिन वर्तमान समय में एआई की मदद से ऐसी मशीनों को बनाया गया है जो मानव शरीर को स्कैन करके उसकी बीमारी का पता लगा लेती हैं। सीटी स्कैन मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसकी मदद से मानव शरीर को स्कैन किया जाता है। अगर मानव शरीर में कोई भी बीमारी हो तो इस मशीन की मदद से उस बीमारी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके बाद इसका सबसे बड़ा फायदा एजुकेशन सिस्टम में हुआ है। एजुकेशन क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग ऑनलाइन एग्जाम से लेकर ग्रेडिंग सिस्टम तक सभी चीज़ों में होता है। ऑनलाइन एजुकेशन की मदद से उन छात्रों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है और अपनी पढ़ाई के लिए बड़े शहर में नहीं जा सकते, क्योंकि अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। तो आप अपने मोबाइल की मदद से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना है तो आप वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसमें ग्रेडिंग का भी सिस्टम है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपने रिजल्ट को आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद एआई की मदद से कृषि विज्ञान में भी बहुत सारा फायदा हुआ है, क्योंकि इस तरह के एआई की मदद से एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी बनाए गए हैं जिन्हें ड्रोन की मदद से कनेक्ट करके हम पूरे खेत पर नज़र रख सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने फल और सब्जियों की खेती को बहुत बारीकी से एक जगह बैठ करके जाँच कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित और भी बहुत एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल्स हैं। तो हम आसान शब्दों में कहें तो एआई हमारे जीवन के लिए एक वरदान है।
तो हम बात कर लेते हैं कि एआई क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सरल शब्दों में अर्थ यह होता है कि यह एक ऐसी मशीन होती है जो सोच समझकर खुद निर्णय ले सके। एआई एक कंप्यूटर साइंस का एक सबसे एडवांस रूप माना जाता है, क्योंकि एआई की मदद से ऐसी मशीनें बनाई जाती हैं जो मानव की तरह सोचे समझे और निर्णय आसानी से ले सके। एआई का हिंदी में कृत्रिम बुद्धि होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको एआई के बारे में कंप्लीट जानकारी बता दी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।